हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिफोर बायोलॉजी मस्ती। आपका बिफोर बायोलॉजी मस्ती पे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। अभी फ़िलहाल चल रही है बुगला भैया पे, है ना। सो हम लोग लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला क्या करा, प्लाज्मिड किस में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है प्लाज्मिड किस में पाया जाता है। तो प्लाज्मिड किस में पाया जाता है, तो जैसे कि आप लोग पढ़े हैं क्या, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। यदि आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मिड किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। सो करेक्ट आंसर है सी नंबर, है ना। क्लियर है गया क्वेश्चन एक कम्प्लीट। आप लोगों को पता होगा, आप लोग का चल रहा है चैप्टर नंबर 10, है ना। ये ऑब्जेक्टिव किसका है, तो ध्यान रखिएगा चैप्टर नंबर 10 का है, है ना, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है आनुवंशिक अभियांत्रिकी को निम्न में से क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी को क्या कहा जाता है। तो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी को पहला कह रहा है पूर्ण योगज डीएनए तकनीक कहते हैं, दूसरा कह रहा है क्लोनिंग संवाहक कहते हैं, तीसरा कह रहा है अनुप्रवास संसाधन कहते हैं, चौथा कह रहा है उत्तक संवर्धन कहते हैं। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं अनुवांशिकी अभियांत्रिकी को, है ना, यानी जीनेटिक इंजीनियरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, पुनियोगज डीएनए तकनीक, है ना। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी को क्या कहते हैं, पुनियोगज डीएनए तकनीक, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। आप लोगों को कॉपी में लिखा हुआ है पुनियोगज डीएनए तकनीक, है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक बताए हैं, जीनेटिक इंजीनियरिंग बताए हैं। सो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, करा निम्न में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, तो कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम्स नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैक्टिनेज। ध्यान रखिएगा, पैक्टिनेज प्रतिबंधन एंजाइम्स नहीं है, बाकी इकोआरआई प्रतिबंधन एंजाइम है। ध्यान रखिएगा, बैम एच आई बी एम एच आई आपका ये भी क्या है, ध्यान रखिएगा एच वन ये भी प्रतिबंधन एंजाइम है, और हिंदी जो 3 है वो भी आपका प्रतिबंधन एंजाइम है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कर रहा है टैक पॉलीमरेज या कर रहा है टैक डीएनए, तो कर रहा है टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। तो टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है, वो टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्मस एक्वेटिकस से। ध्यान रखिएगा, थर्मस एक्टिविकस करेक्ट आंसर बी नंबर। सो आप लोग ये सब याद करते जाइएगा, सारा एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम 2023 में पूछने वाला क्वेश्चन है ये सब। सो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अब ऑब्जेक्टिव पे, और ऑब्जेक्टिव हो सके तो जितना ज़्यादा ज़्यादा आप लोग याद करिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करा, एगारोज का प्रयोग किस में किया जाता है। एगारोज का प्रयोग किस में किया जाता है, तो पहला कह रहा है जीन क्लोनिंग में, दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रोफेरेसिस में, तीसरा कह रहा है डीएनए को देखने के लिए, चौथा कह रहा है प्लाज्मिड को काटने के लिए। तो एगारोज का प्रयोग हम किस में करते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़े हैं किसको आप प्रयोग हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रोफेरेसिस में। एगारोज जो है, है ना, वो एगारोज का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, इलेक्ट्रोफेरेसिस में, है ना। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ध्यान रखिएगा।
सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका कह रहा है परपोषी कोशिकाओं में कह रहा है विजातीय डीएनए को प्रवेश करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सो क्वेश्चन तो बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पहला कह रहा है जीन गन का, दूसरा कह रहा है सूक्ष्म अंतक्षेपण का, तीसरा कह रहा है अहानिकारक रोगजनक का, अगला कह रहा है इनमें से सभी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि आप लोग को आंसर मालूम होगा, बड़ा ही ईजी सा है कि इसमें जो भी परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए है तो वो प्रवेश कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो आप लोग पढ़े थे कि इसमें जीन गन का ही प्रयोग करते हैं हम लोग, किसका प्रयोग करते हैं जीन गन का, और किसका प्रयोग करते हैं सूक्ष्म अंतक्षेपण का, और किसका प्रयोग करते हैं अहानिकारक रोगजनकों का, ध्यान रखिएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर, ध्यान रखिएगा। सो आप लोग याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर सेवन, समझिएगा सेवन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है कवक को निम्न में से किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है, ध्यान रखिएगा कवक को, है ना। तो पहला कह रहा है सेलुलोज, दूसरा कह रहा है ग्लैक्टोज, तीसरा कह रहा है कैटिनेज, चौथा कह रहा है लाइसोजाइम। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिससे कि आप लोग जानते हैं कि कवक निम्न में से किस एंजाइम से, ध्यान रखिएगा तो कैटिनेज एंजाइम आप लोग पढ़े थे, कौन सा एंजाइम, कैटिनेज। सो सेवन नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, कैटिनेज एंजाइम। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एट देखिएगा, एट क्या कह रहा है, एट कह रहा है प्राइमर्स का उपयोग किसमें किया जाता है। प्राइमर्स, हाँ कह रहा है प्राइमर्स का उपयोग किसमें किया जाता है। तो आप लोग बताइएगा प्राइमर्स का उपयोग हम किस में करते हैं, क्लोनिंग में या पीसीआर में, पीसीआर मतलब ये पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन, है ना, या डीएनए संसाधन, या कराइन में से कोई नहीं। जैसे कि आप लोग पढ़े हैं प्राइमर्स का उपयोग हम किस में करते हैं, पीसीआर में, है ना, पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, है ना। प्राइमर्स का उपयोग किस में करते हैं, तो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में। सो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर। सो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा निम्न में से कौन पीसीआर से संबंधित है, मतलब पीसीआर से संबंधित कौन है। अभी तो पीसीआर आप लोग पढ़ रही हैं पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, लेकिन इससे संबंधित कौन है ना पीसीआर से। जैसे कि आप लोग पढ़े हैं कि जो पीसीआर से संबंधित है वो पीसीआर से संबंधित कौन है, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि विस्तार यानी कि बोला जाए तो ये पीसीआर से संबंधित है, निष्क्रियकरण ये भी पीसीआर से संबंधित है, तापोनिशीलन ये भी पीसीआर से संबंधित है, यानी कि ये तीनों पीसीआर से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सभी यानी कि पीसीआर से संबंधित ये सभी है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन इससे संबंधित विस्तार है, इसी से संबंधित है ना निष्क्रियकरण है, इसी से संबंधित तापानुशीलन है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी, है ना। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है
निम्न में से कौन एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है? उच्च तापक्रम मतलब हाई टेम्परेचर पर है ना एक्टिव होता है, सक्रिय रहता है, कौन एंजाइम है? कौन एंजाइम हाई टेम्परेचर पर भी सक्रिय रहता है? तो ध्यान रखिएगा, हाई टेम्परेचर पर सक्रिय रहने वाला एंजाइम बहुत कम है। जो कि इसमें बात किया जाए इस ऑप्शन में, तो इस ऑप्शन में कौन होगा? टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज ध्यान रखिएगा, टैक पॉलीमरेज जो है वो उच्च तापक्रम पर यानी हाई टेम्परेचर पर भी क्या होता है? एक्टिव होता है यानी सक्रिय होता है, है ना। सो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए नंबर। ध्यान रखिएगा मस्ट बी वी आई ए है, है ना, ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। करा पौधों की जड़ों में ट्यूमर उत्पन्न करता है, पौधों की जड़ों में ट्यूमर उत्पन्न कौन करता है? ध्यान रखिएगा, है ना। तो कह रहा है पौधों की जड़ों में ट्यूमर उत्पन्न करता है, तो ट्यूमर उत्पन्न कौन करता है? जैसे कि आप लोग पढ़े हैं कि पौधों के जड़ में ट्यूमर को पैदा करने के लिए कौन होता है? एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, है ना। ट्यूमिफिशियंस मतलब ट्यूमर पैदा करने वाला। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में ट्यूमिफिशियंस मिल गया था, ट्यूमि मतलब हो गया ट्यूमर, है ना। तो सिंपल समझिएगा, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस क्या करता है? पौधों की जड़ों में ट्यूमर उत्पन्न करता है, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, है ना। सो ये आपका कंप्लीट हुआ आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस लेसन नंबर 11। ध्यान रखिएगा लेसन नंबर 11 में आपका 11 क्वेश्चन हो गया, यानी कि ऑब्जेक्टिव फुल्ली एनसीईआरटी, जो भी ऑब्जेक्टिव लिखा रहे हैं वो अभी फुल्ली एनसीईआरटी चल रही है। इसके बाद फिर हम लोग गेस्ट पेपर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, यानी एक एक करके हम लोग सब डील करेंगे, है ना। सो ध्यान रखिएगा इससे अच्छे से। ओ आज हम यहीं तक रहने देते हैं आज के लिए, हमारे तरफ से सभी बच्चे को गुड नाइट, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ऑब्जेक्टिव को जितना ज़्यादा याद कर सकते हैं, सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को देख करके और याद कर लीजिएगा, फिर आप लोग से पूछा जाएगा। आज के लिए सभी बच्चे को बाय।